अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। देश में एक ऐसी जमात है जिनकी बहुत जल्दी गांड पड़ जाती है। नमाज पढ़े तो गांड गई, चर्च दिखे तो गांड, इलेक्शन दिखे तो पड़ गई, आंदोलन होवे गांड पड़ गई। समझ रहे हैं ना, जब लगे घटने तब लगे मस्जिद दिखने। लेकिन याद रहेगा, ये इतने बड़े हरामखोर हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये किसी भी हद तक जाकर सरकार स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आज आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है, ये बिरयानी खिलाने का शौक या तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस को था, या फिर बिरयानी खिलाने का शौक शाहीनबाग जैसी घटनाओं में केजरीवाल को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। चलो कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ, खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है, उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे, सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा दे, इनकम टैक्स की रेट करवा देंगे। काला बाजारी है जो उनकी जो नीयत है वो देश ने देखी है। और खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि आप चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, अब केवल बचा है भाजपा में तो कीचड़। जिस तरह से इनकी सेवाएं हो रही है वो यही दर्शाता है कि कल को भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला इस भारत में नहीं मिलेगा। साथ है अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। देश में एक ऐसी जमात है जिनकी बहुत जल्दी गिर जाती है। नमाज पढ़े तो गई, चर्च दिखे तो पड़ गई, इलेक्शन दिखे तो गांड पड़ गई, आंदोलन होवे गांड पड़ गई। समझ रहे हैं ना, जब लगे गांड में तब लगे मस्जिद दिखने।